नमस्कार। आज यह मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि इस मंच पर मुझे मेरी कविता सुनने का मुझे अवसर दिया है इन्होंने। तो श्री देवेंद्र जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही उन श्रोताओं का जो मुझे सुन रहे हैं या जो मुझे बाद में सुनेंगे उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, एक कविता है मेरी अधीरा। उठो अधीरा, उठो इस महानिर्जन प्रांत से, उठो मुझे बार बार जन्म लेते इंतजार करते हुए। कितने युग बीत गए, अभी तक तुमने यह कब्र छोड़ी नहीं है। हठ ना करो, वह दिन कभी नहीं आएगा धीरा। अधीरा, तुम संसार की महान योद्धा तो नहीं थी जैसा कि लोगों ने तुम्हारे बारे में लिखा है, या जैसा कि मैं तुम्हें जानता था। तुम स्वयंभू हो अधीरा, तुम्हें जानती है तुम्हारी देह, तुम्हारी धरती, जहां उपजाए थे तुमने किस्म किस्म के फूल, बनाए थे पोखर, पाली थी गाय, कुत्ते, हिरन के बच्चे, गिलहरी, तोता और बहुत कुछ। अधीरा, तुम्हें जानते थे सावन के उठते हुए काले घनेरे मेघ, या तुम्हारी फटकार खा धूम दबाकर भागते हुए चितकबरे बादल, या फिर शरद की चांदनी रात, या माघ का सूरज, या बसंत की अभिसारिकाएं। अधीरा, वह समय आज जैसा बिल्कुल नहीं था, उसे तुम्हारा कोमल स्पर्श याद है और इसे अतृप्त वासनाएं। इस यांत्रिक समय में कब तक भागती रहोगी अधीरा? समय बदला, संस्कृतियां बनती बिगड़ती चली गईं, किंतु तुम काल में आंच की तरह थी अधीरा। तुम्हारी संततियां भूमि में फैली नीर निधि, और उनकी लहरें एक पर एक उछलती कूदती फेन उगलती आक्रांताओं से। केवल तुम ही थी अधीरा जिसे भविष्य का मिथ्या ज्ञान तुम्हारी संततियों ने करवाया था। तुम जिसे सत्य समझती हो वह तुम्हारी संततियों का अखंडित अहम है। सत्य यह है कि तुम स्त्री हो और मैं पुरुष। हजारों साल पहले तुम्हारी संततियों ने हमें मनुष्य होने का गर्व करवाया था। परिणाम यह हुआ कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए आज हम एक दूसरे से अलग थलग मिलन के गीत गाते शोकाकुल, अतीत अलक्षित। वह समय जंगल जैसा नहीं था आज की तरह। प्रकृति हमें ओढ़े हुए थी, हम उसे, उसी अलौकिक समय के जाए थे हम। नदियों कंदराओं में भस्मीभूत पूर्वज साथ थे हमारे, और हमारी शिराओं में पूर्वजों का रक्त। रक्त का मतलब जानती हो अधीरा? रक्त का मतलब केवल लाल द्रव्य नहीं, वह हमारे इतिहास, हिंसा और प्रेम और पूर्वजों की संग की स्मृतियों का साक्षी होता है। उत्सव और शोक रक्त की छायाएं हैं अधीरा। दूसरी कविता है बसंत। बसंत थे हम, सूखे पत्तों की तरह रौंदे गए, भट्टी में जलाए गए। बुद्धिजीवी थे हम, भेड़ों की तरह हांके गए।
नदी थे हम, पहाड़ों की तरह काटे गए। कितना कुछ बदल गया तुम्हारे जाने के बाद। तीसरी कविता मुक्ति। पुनः आऊंगा, अधूरे जो पड़े हैं प्यार के लिखे हुए खत, अनगिन क्षणों में या कि गहरी रात में देखे गए थे जो अधूरे स्वप्न, या कि चुनमुन के ककहरों में, या ताक पर रखे हुए दिए की लौ में। पुनः आऊंगा, पिता की मूछ ताओं पर, या माँ की उटंगी कहानी लोरियों में, या भाई के कंधों पर बैठूंगा एक थिरकन सा, या भाभियों की चुटीली बात पर। पुनः आऊंगा, अधूरी रह गई खेत की उन हराइयों में, या कि आम की लचकी हुई डार गुड़हल गेंदा के फूलों में, चिड़ियों की चींची या गायों के रभाने में। लौट आऊंगा पुनः, पर प्यार से मुक्ति भला क्या इस जन्म में पूर्ण होगी। एक कविता है जिसे सर्वाधिक लोगों ने पसंद किया, शैलजा। एक अंतराल के बाद दुर्ग की प्राचीरों पर खुरच खुरच कर लिख रहा हूं तुम्हारा नाम, ताकि जब कभी लौटो मेहरानगढ़ के बुर्जों ऊंची लंबी दीवारों को स्पर्श करते हुए पढ़ सको अपना नाम शैलजा। यह नाम तुम्हें तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा आदि प्रेमी दे रहा है। आओ शैलजा, शैल पृष्ठों पर, लताओं तरुपत्रों पर आओ, कि तुम्हारा सारंग तुम्हें पुकार रहा है मंत्रवत। आओ कि हृदय में बह चले अंता सलिलाएं। आओ शैलजा, कि तुम्हारे संग जी लूं, भर भर अंजुरी पी लूं तुम्हारा स्नेह स्मित मधु यौवन, जीवन के इस एकाकीपन में तुम दीप चौरासी मेरी सांध भावनाओं में जल उठी हो, फूल बन खिल उठी हो। राग यमन गुनगुनाते हुए सो गया हूं, स्वप्न में तुम्हारा हाथ पकड़कर मेहरानगढ़ की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा रहा हूं एक के बाद एक। कहीं कोई गा रहा है गीत, कहीं फूल बरस रहे हैं, कहीं रंग, कहीं जल रहे हैं दीप। आहा, कितना सुखद है तुम्हारी सांध भावनाओं में दीप बल जलते चले जाना। इसी का एक दूसरा हिस्सा है। वर्षों बाद चैट बॉक्स के संदेशों, इमोजियों, मीम्स की दुनिया से बाहर तुम्हें देख रहा हूं। मेरी कल्पनाओं से परे गोया तुम कोई अनछुआ राग हो, मेहरानगढ़ की ऊंची नीची प्राचीरों, नीले घरों, दीवालियों, तड़ाकों, लताओं। आओ कि लिख दूं तुम्हारी मौन गाथाओं में अब तक की प्रतीक्षित निज गाथा। तुम साक्षी रहोगे इसके कि एक धड़कन बची है अभी, तुम्हारे कोटरों, वृक्षों, हवाओं, कबूतरों की गुटर गूं में। तुम साक्षी रहोगे इसके कि तुम्हारे सीने में कोई लिख गया है गीत अपना स्वयंभू। वर्षों प्रतीक्षाओं के बाद सांसों में बज उठी है कोई सारंगी, धड़कने गाने लगी हैं कोई गीत, कोई नदी बहने लगी है सीने में, मादल बजाने लगे हैं मेघ, हवाएं नाचने लगी हैं आसपास,
चलो नाचो तुम भी। इतना कि छन्न से घुंघरू का कोई पोर टूटे, फिर धस जाए मेरे तलुओं पर। उफ, पहने दुरख्त, आज के दिन शुभ है। अंजुरी क्षण क्षण अंजुरी भर भर क्षण प्रति क्षण, कड़कड़ को अर्पित मेरा रक्त, तुमको शत शत बार शुक्रिया। वर्षों प्रतीक्षाओं के बाद तुम्हारा साथ होना वर्चुअल से परे, जीव जगत की दुनिया में वापस लौट आना है। एक गद्य कविता देखें। ठिठुरते सूरज से धीरे धीरे धरती पर उतरती है ठंड, और नदी के सहारे ऊपर बर्फानी गुफा में छिप जाती है। दादी कहती हैं कि जब ठंडे को जाना होता है तो पछुआ बहुत तेज बहती है, और फूलों पत्तियों को झकझोरते हुए उससे ठंड उतार ले जाती है। जो कमजोर पीतवर्णी पत्ते होते हैं वे झड़ जाते हैं, बाद में सुर्ख हुए पत्तों को बटोरने पर सूखी हड्डियों की तरह आवाजें आती हैं। कितना भयावह होता है सूखे पत्तों को बटोरना। शहराती हो तुम सुन सकते हो सिर्फ पत्तों से किसी नृत्यांगना के घुंघरुओं की आवाजें, किंतु मुझे मृत्यु का रुदन ही उससे सुनाई देता है। तुमने कभी सूखे हुए पत्तों को देर तक बुहारा है? वृक्षों के दंश की तरह कभी कभी चुभते हैं सुर्ख पत्तों के किनारे। एक कविता वर्ष 2020 के लिए, शीर्षक है टूटा बिखरा वर्ष 2020। वर्ष 20, हरे भरे बाग में बिजली की तरह उतरा, तालाबों से मछलियां बाहर निकली और अपनी हत्याओं का मांगने लगी हिसाब। इस वर्ष नदियां तड़पती रहीं दो बूंद पानी के लिए, हवाएं भूल गईं अपना रास्ता, दीवारें खंजर की तरह लोगों की गले में पड़ी। यह नर पिशाच वर्ष अब तक की धरती का सबसे बड़ा मायावी है। इसने पक्षियों के पर जला दिए, पहने सींग वाले पशुओं को खुला छोड़ दिया ताकि वे मनुष्यों को कुचलें, हत्या कर दें। इस वर्ष ने शहरों को जिंदा कब्रिस्तान में बदल दिया। आत्माएं चिक्कारती रहीं वर्ष भर, लोग नंगे भूखे दौड़ते रहें इधर उधर। यह वर्ष कविताओं में फटे फफोलों की तरह उभरा और कवियों की हत्या कर दी, लावा गिरा दिया, गर्भवती महिलाओं से उसके बच्चे छीन लिए, या फिर जन्मे हुए बच्चों की मां। इस वर्ष लोग अपनी सांस से लेते रहे हवा और भिखारी कचरे, इस वर्ष न्यायालय अपने सहजादों से शर्मसार हुए और अपाहिज भी। एक खलनायक आया था इस वर्ष, उसने लोगों के चले कटे तलुओं पर बरहम लगाया, भोजन दिया और शजर की छांव भी। इस वर्ष रेल की पटरियों पर पसरी रही सरकटी लाश, बस ट्रक टैक्सियां सड़कों पर हवा की तरह रौंदती रहीं। यह वर्ष अमीरों के लिए अवसर बनकर आया,
और गरीबों के लिए आपदा। मेरे बच्चे, तुम कभी इस हरामखोर वर्ष को याद मत करना। उठो चलो, इस अंधेरी रात में जुगनुओं को एकत्र करो। याद करो अपने पूर्वजों को, उनकी शिक्षाओं को, और प्रार्थना करो कि यह दानव फिर कभी ना लौटे। एक कविता है इंतजार। इन वर्षों में मैंने केवल तुम्हारा इंतजार किया, यह जानते हुए कि इंतजार करना हमेशा सुखदायी नहीं होता। गर्मियों के दिन तुम्हारे स्मृतियों में बोनसाई की तरह गुजरे और सर्दियों के कंबलों की तरह, जिन्हें सर्द रातों में मैं उठता बिछाता रहा। एक रात कॉरिडोर में चक्कर काटते हुए मुझे लगा कि मैं इस धरती का सबसे निकम्मा आदमी हूं, किंतु उसी क्षण मैंने सोचा कि बेकार में खाली बैठने से बेहतर है कि मैं तुम्हारे लिए ख्वाब देख सकता हूं। पिछले दिनों मां ने आखिरी पुश्तैनी जेवर बेचकर मेरे लिए ख्वाब देखा। मैंने तुम्हारे लिए, तुमने किसी कमल के लिए। मां, मेरे और तुम्हारे बीच एक समान है, वह है ख्वाब। एक कविता मृत्यु पर। जब आंखों में अंधेरा शोर करने लगे, पुतलियां टूटी प्याली सी गड़ने लगे, भौहें भूल जाएं अपना नर्तन, केश सांसों में धुएं से फैले, कमरे की दीवारें चिता की तरह भभकने लगे, किताबों से वर्तनी आड़ी तिरछी निकले और देह में रोम रोम की तरह चुभने लगे, तस्वीरें उछल कूद करने लगे और भूल जाएं अपनी नियति। अंदर कोई तूफान व्यथित सर्पणी की तरह फुफकारे, काटने को दौड़े, हड्डियां चरमरा कर देह में धस जाएं, नख दंत हो जाएं, दंत असी। जब कोई हाथ सर पर ना हो, गले पड़े हों, वे बिंध जाएं और छेद कर दें, तब मृत्यु बाज सी सीने में क्यों नहीं उतरती। एक छोटी कविता और देखें। इबादत का। एक दिन चल कर आऊंगा इन्हीं रास्तों से इबादत का। उस दिन शहर की सारी बत्तियां अचानक बुझ जाएंगी, सूर्य धीरे धीरे ढरकने लगेगा और रक्तिम चांद आसमान की सड़कों से झांकेगा, और रक्तिम चांद आसमान की अधरों से झांकेगा। उस दिन ऋचाएं मौन हो जाएंगी और हजारों साल की तृप्त भावनाएं हिलोरे भरेंगी। वाद्य यंत्र मौन होंगे और पुराने अनगढ़े मृद भांडों से प्रेम के स्वर जग उठेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे और चिल्लाएंगे, आएंगे भी बावरे होकर नाचेंगे। एक कविता और देखें। पिता का गीत। कागज में पड़े सिलवटों पर तिरता एक शब्द बचा था,
बाकी शब्दों को मवेशियों ने अपने खुरों से कुचल दिया। गर्म खून से लिपटे अर्ध जख्मी शब्दों ने अपने बचरे की गुहार लगाई। किंतु समय के सबसे बड़े नायक ने कहा, तुम्हारा मरना मेरे होने की पहली शर्त है। और मैंने कहा कि उस दिन केवल तुम्हारा प्यार बचा था। रक्ताप श्यामानुरंजित रगयुक्त प्यार, मुझे माफ करना जोशिका, उसकी शर्त और तुम्हारे प्यार के बीच मैं खुद को बचा नहीं सका। किंतु मैं कहीं गया नहीं हूं, रहूंगा यहीं, तब तक जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगी और मेरे अंदर का रेत धधकता रहेगा। बचाएगा, बार बार बचाएगा तुम्हारे प्यार को, मैं प्रार्थना करूंगा नदी से कि वह अपना सबसे पवित्र जल तुम्हारे प्यार को दे। मैं प्रार्थना करूंगा वृक्षों, हवाओं से, गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाओं से, मैं पक्षियों से भी प्रार्थना करूंगा। तुम देखना जुस्सिका, तुम्हारा प्यार इन्हीं के बीच बड़ा होगा, वह खेलेगा सिंह शावकों के बीच और हिरण हिरणियों के बीच। उसे गुदगुदाएंगे गज शावक, वह हंसेगा जोर जोर से हंसेगा। तुम देखना जोशिका, उस दिन नन्ही दूब हमारे सीने में उगेगी। एक अंतिम कविता, बारिश का इंतजार। मौसम वैज्ञानिकों ने सूचना दी है, इस साल मानसून देर से आएगा, फिर भी किसानों ने बिहाड़ कर दिया है। बाद में वे लेना लगवाएंगे, वे एक बांह खेतों को जोत चुके हैं, अब उससे घास फूस और मोटी जड़ें बाहर कर रहे हैं। कुछ स्त्रियों ने महुए और दाल पहले से तैयार कर लिया है, वे इस चौमासे में मोखरी बनाएंगी। कुछ ने लेना लगाने के लिए अपनी टोली बना ली है और बाद में वे लेना लगाएंगी और अपने बेसुरे आवाज में कजरी गाएंगी। कुछ स्त्रियां चौखट में भुसौले में अपने कमाऊ परदेसी पति को याद करेंगे देंगे। कुछ घरों में बच्चों ने मेहंदी खरीद लिया है, कुछ ने गुड़ और चाय की मेहंदी बनाने की ठान ली है। वे बात कर रही हैं कि गुड़ की मेहंदी अधिक रचती है। कई बच्चों ने अपने दादा के नए स्वदेशी चप्पल काट डाले हैं, वे उससे दो पहिया चार पहिया गाड़ी बनाएंगे और बारिश में दूर तक भागेंगे। कुछ ने अपनी बाल पोथी फाड़कर नाव बना दी है। मछुआरों ने तांत और कटिया खरीद लिया है, बाद में वे तालाब और नहर में जाएंगे और वहां से मछलियां पकड़ेंगे। कुछ चरवाहों ने अपना नारा तैयार कर लिया है, कुछ उसमें शामिल हो रहे हैं। वे अपने मवेशियों को खेतों में खुला छोड़ देंगे, दोपहर में वे सुर्रा खेलेंगे और जामुन तोड़ेंगे और आम भी। वे लसोहरा के ऊपर चढ़ जाएंगे और जोर जोर से कूदेंगे। इस बारिश में सब ने अपने उत्सव की तैयारी कर ली है, किंतु हाय, मानसून देर से नहीं बहुत देर से आया और परी भर बरस कर चला गया। धन्यवाद।